भोपाल सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर शनिवार को अचानक भोपाल के कमलानगर थाने पहुंची और उन्होंने कांग्रेस के विधायक गोवर्धन दांगी के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की। उनके साथ भाजपा के कार्यकर्ता भी मौजूद थे। प्रज्ञा सिंह के गोडसे के बयान के बाद दांगी ने घोषणा की थी कि वो प्रज्ञा सिंह को जिंदा जला देंगे। इसके बाद प्रज्ञा सिंह ने 8 दिसंबर को ब्यावरा पहुंचने की घोषणा करते हुए कहा था कि आ रही हूं जला लेना। शनिवार को दोपहर अचानक प्रज्ञा सिंह ने संसद सत्र का हवाला देते हुए ब्यावरा जिला राजगढ़ कांग्रेस विधायक के घर नगर न जाने की बात कही। इस पर सोशल मीडिया पर उसका मजाक उड़ने लगा। रात 8:30 बजे प्रज्ञा सिंह अचानक कमलानगर थाने पहुंची और उन्होंने थाना प्रभारी से कांग्रेस विधायक के खिलाफ FIR दर्ज कराने की मांग की। उनके साथ जिला भाजपा अध्यक्ष विकास वीरानी, भाजपा के वरिष्ठ नेता अनिल अग्रवाल, लीली सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद थे। कांग्रेस विधायक गोवर्धन दांगी ने सार्वजनिक माफी मांगते हुए प्रज्ञा सिंह ठाकुर को पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने भावुकता में कही बात के लिए सार्वजनिक माफी मांगी थी। दांगी का कहना था कि उनकी पार्टी गांधीवादी है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि प्रज्ञा सिंह ब्यावरा आती है तो उनका वह फूलों से स्वागत करेंगे। बताया जाता है कि प्रज्ञा सिंह के आने की संभावना पर दांगी ने ब्यावरा में 9 किलोमीटर तक महात्मा गांधी के लगभग 400 होर्डिंग लगाकर उन्हें गांधी जी का संदेश देने की घोषणा की है। प्रज्ञा सिंह ने ब्यावरा पहुंचने की संभावना पर ब्यावरा में भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। पुलिस ने किसी भी प्रकार के विवाद से निपटने के लिए तैयारियां की है। हालांकि फिलहाल प्रज्ञा सिंह के ब्यावरा पहुंचने की संभावनाएं कम ही है। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। उन्होंने FIR करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा मैं FIR नहीं करेंगे। मैंने कहा कारण बोले, कोई कारण नहीं। मैंने कहा मना कर रहे हो, नहीं कर रहा हूँ, पर लास्ट में उन्होंने मना कर दिया। अब आपका क्या? बार बार रेगुलर वो फोन लगा रहे, हर अधिकारी TI से लेकर के SP तक फोन लगा रहे हैं। SP साहू और मनु जी व्यास, ये सब लोग ऊपर फोन लगाते रहे और अंत में इन्होंने FIR करने से मना कर दिया। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि इन्होंने यहाँ के विधायक ने, कांग्रेस के विधायक ने जो FIR, जो जिस प्रकार से हमें जिंदा जलाकर मारने की धमकी दी है, उसके विरुद्ध इन्होंने कार्रवाई नहीं की है। यदि भोपाल क्षेत्र में, यदि पूरे देश में कहीं भी इस प्रकार की कोई हरकत होती है तो ये जिम्मेदार कांग्रेस सरकार है इसके लिए। भोपाल क्षेत्र में कहीं होती है तो इसके लिए कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है, पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है। क्योंकि जब किसी भी प्रकार से एक सांसद होने के नाते भी मैं आई हूं तो मेरी नहीं सुनी गई, हम किस आधार पर जनता के लिए न्याय की मांग कर सकते हैं? ये बहुत ही निंदनीय कार्य है और ये बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है कांग्रेस का। ब्यावरा जाएंगे क्या? ब्यावरा हम तब जाएंगे जब यहां हमें न्याय मिलेगा। हम अगर स्थानीय तौर पर किसी को न्याय नहीं दिलवा सकते तो मुझे लगता है कि हम ब्यावरा जाकर भी क्या करेंगे। जैसे ऐसी मानसिकता, जो जिंदा जलाने की मानसिकता जो विधायक रखते हैं, ऐसी मानसिकता, ऐसी मानसिकता के लोग और इनसे प्रश्रय पाकर के, कांग्रेस सरकार से प्रश्रय पाकर के ऐसी मानसिकता के लोग अगर समाज में घूमते रहे खुला, तो वो दिन दूर नहीं है कि ये भी एक ऐसी कई घटनाएं इस मध्य प्रदेश में और इस भोपाल में होंगी। मैं धरने पे बैठ रही हूँ, मैं सत्याग्रह कर रही हूँ। तेलंगाना में जो हुआ, उन्नाव में जो हुआ, देवास में ये जो, मैंने उसकी भर्त्सना की है और मैं हर उस बालिका बच्ची से लेकर के हर महिला के साथ हूँ जिसके साथ अन्याय होता है, उनके लिए कार्रवाई करने की। मैं आज, हमारा जो आंदोलन है, जो सत्याग्रह है, वो उसी के विरुद्ध है कि किसी भी महिला के साथ, किसी भी बालिका के साथ, किसी के भी साथ ऐसा अन्याय कभी ना हो। परंतु जब तक ऐसे अपराधी खुले घूमते रहेंगे, हम जैसे लोगों को भी आंदोलन करना पड़ेगा। तेलंगाना ऐसे एनकाउंटर कर देना चाहिए क्या? मैंने कहा षडे षाठ्यम समाचरेत, मैंने अपने ट्वीट में लिखा था, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम, षट के साथ षट जैसा व्यवहार, दुष्ट के साथ दुष्ट जैसा व्यवहार करना चाहिए, तभी वह समझता है। और यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम, कानूनी प्रक्रिया ये कहती है कि यदि हमें ज्ञान संज्ञान में है तो हम उसकी विधिवत कार्रवाई करेंगे, भले ही कोई कहे या ना कहे। परंतु फिर भी यहाँ कहने के बावजूद भी ये नहीं हो रहा, तो लोक विरुद्धम अनुकरणीयम अनुचरणीय। बिल्कुल, सरकार, कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है इसके लिए।
एक आखिरी सवाल, संसद में आपने दो दो बार माफी मांगी, इसका जी कांग्रेस ही करेगा? मैंने ऐसी कोई माफी जो संसद में मैंने कहा वह सबने सुना, मुझे अब इसके विषय में नहीं कहना है। ये नारी के सम्मान, नारी का अपमान, नारी के जिंदगी, और ऐसे खुले घूम रहे जो गुंडे हैं जो जिंदा जलाने की धमकी देते हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं होगी तो हमारी स्त्री शक्ति, मातृ शक्ति कभी भी सुरक्षित नहीं हो सकती, और इसके विरुद्ध हमारा आंदोलन है। FIR नहीं लिखी जाएगी तब तक है। FIR का अर्थ है कि जब तक हमें न्याय मिलने की आशा नहीं होगी हम ये आंदोलन करते रहेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।